मैं आपको इस सेवान में ये तमाम मुक्तदर अदारों को बस बशमूल इस सेवान के आने वाले वक्तों की वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर यहां पे ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिश ना हुई, यहां आइन का एहतराम कायम ना हुआ, यहां रोजाना आइन से रूगर्दानी की गई, यहां अदारे जो हैं वो आइन का एहतराम ना करें, जनाब स्पीकर हमारी तलाशी ली गई और आज जो है अगर तलाशी ली जा रही है फॉरेन फंडिंग की तो उसके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशनें दी जा रही हैं। कल कहते थे हमारी शलवारें गीली हो रही हैं, आज इनकी शलवारें गीली हो रही हैं। इनके कायद के अल्फाज दोहरा रहा हूं। ये न्याजी साहब जो है ना हजब की जाए, ये न्याजी साहब के अल्फाज, इस अल्फाज को हजब करें। क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का देते साहब? क्यों हिंदुस्तान से जो पैसे आए उनका हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं शौकत खानम के पैसों का हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का हिसाब देते? थैंक यू जी। जनाब स्पीकर अगर हम हिसाब दे सकते हैं, मेरा कायद जो है उसके ओहदे से हटाया गया, वो जेल में है, आज जमानत में है। आज ये चोर पकड़े गए हैं, इनका हाथ गले में पकड़ा गया है, इन्होंने हिंदुओं से पैसे लिए, हिंदुओं से नहीं, मेरे भाई यहां पे हिंदू बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानियों से पैसे लिए इन्होंने, प्रूफ है, ऑफशोर कंपनीज के जरिए पैसे लिया गया। जनाबे वाला थैंक यू ख्वाजा साहब, टाइम हमारे पास, जनाबे वाला वाइंड अप प्लीज।